रोहतास जिला चिनारी प्रखंड के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय सदोखर के स्कूल में भवन के कमी होने के कारण अभिषेक कुमार जैसे 300 बच्चों को बैठने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसको लेकर आज से एक साल पहले मैंने उस पर एक इशू वीडियो बनाया था। तो बीच में बेंच लगा के क्यों बैठे हैं? जगह नहीं है। क्या जगह नहीं है? मतलब बैठने के लिए छोटा के बैठे हैं। दिक्कत होता है, एक बेंच पर साथ में बैठते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? बेंच चाहते हैं और थोड़ा क्लास पढ़ा चाहते हैं। भवन की तो बहुत कमी है, यहाँ एक भी पढ़ाने लायक भवन नहीं है। पुराने भवन 5 जो है वो जर्जर अवस्था में है, और जो 3 भवन 9-10 का है वो अधूरा पड़ा है। और उस समस्याओं को समाधान हेतु जन अधिकार केंद्र के सहयोग से तथा SMC कमेटी के सहयोग से एक स्कूल पर मीटिंग बुलाई गई और प्रधानाध्यापक के दबाव बनाया गया कि यहाँ पे जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाए। उस दबाव से प्रधानाध्यापक ने तत्काल एक्शन लिया। यहाँ भवन की समस्या काफ़ी थी और बच्चे जो थे जिस समय आए थे पुरानी भवन छत चूक रही थी और यहाँ फर्श पर बच्चे बैठते थे। समस्या कैसे समाधान? समस्या एक वीडियोग्राफी किया गया अमरजीत जी के द्वारा, उस वीडियो को बच्चों को दिखाया गया और ETV बिहार पर भी दिखाया गया, जिसका उसका इम्पैक्ट पड़ा और सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ जो भवन अधूरा पड़ा था उसको फिनिशिंग कराया। इसके बाद मैं और अमरजीत जी के प्रयास से करीब 90 बेंचों और डेस्क आ गए। बच्चे जमीन पर न बैठ कर ऊपर वाले 6-7-8 के बच्चे बेंच डेस्क पर बैठ रहे हैं। हमारे गांव के हैं अमरजीत पत्रकार, वो हमारे उनके कृपा से और हेडमास्टर सर का सहयोग से कैमरा बन गए, क्योंकि वो हमारे वीडियो इंटरव्यू लेकर ले जाकर वीडियो दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, और उसी को माध्यम से कमरा भी बन गया और बेंच डेस्क पर नया भी लग गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? टाइम से पढ़ाई हो रहा है, हम जा रहे हैं सब लोग, 9 बजे पढ़ाई लग रहा है और सब सर भी टाइम से आ रहे हैं। जो साथियों ने, समुदाय के लोगों ने, जन अधिकार केंद्र के लोगों ने, SMC कमेटी के लोगों ने इस वीडियो को बदलाव लाने में हमें मदद की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरीके से बदलाव लाने हेतु हमारे मदद करते रहे। मैं अमरजीत कुमार, रोहतास बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।